पाकिस्तान कितनी बार हारा जिम्बाब्वे से, कभी पकड़ा पाकिस्तान ने क्या, मतलब मैदान चेंज हो गया था हारने का, कभी पाकिस्तान ने ऐसे हारने के बाद उन्हें झगड़ा क्या, अब तुम पे देखो 200 बनाएंगे, अबे 200 तो आपने बनाई नहीं है ना जाने कब से। बहुत तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय थिंक टैंक की, एक तो अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाया वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद, वो सही स्टेप था। सो तारीफ बेतहा करनी पड़ेगी, टॉप ऑर्डर आज बेहतरीन तरह से फंक्शन किया भारत का, जैसे अभी यंग है और आगे चल के मुझे लगता है कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के पाए के व्हाइट बॉल के क्रिकेटर बनेंगे। बट इट्स वेरी गुड, इट वाज अ वेरी गुड विन फॉर दिस इंडियन ए टीम, यंग इंडियन टीम आई वुड से, इट्स अ गुड साइन कि इन प्लेयर्स में इतना दम है और इतना इनमें टैलेंट है, इतनी इनके अंदर गेम अवेयरनेस है कि इन्होंने एक ही दिन में इन लेस देन 24 आवर में इन्होंने रियलाइज कर दिया कि हमसे गलतियां की हुई थी, एंड दे डिडंट रिपीट दोस मिस्टेक्स टुडे, मोस्ट ऑफ देम। लेकिन लगाया बेटा कल जो क्राउड बड़ा खुश हो रहा था ना, आज इंडियन क्राउड ने उन्हें बड़ा चुप कराया। तो अभिषेक शर्मा ने बड़ी स्पेशल नॉक खेली है, उन्होंने सेंचुरी की है, और मुझे जो उनकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी ना कि जो उनका बैट का फ्लो है, जो उनके बैट का पिकअप है और पूरी जो स्विंग है ना, वो युवराज सिंह से मिलती जुलती है। ये कहीं से 200 की पिच नहीं लग रही थी इनिशियली, मगर 230 कर दिया, और मगर इस वक्त तो इस भारतीय यंग टीम ने कमाल कर दिया है। अबे चार्टर्ड फ्लाइट से कल सिकंदर रजा को लाहौर बुलाओ इस टीम के साथ, और बोलो बाबर आजम से तू 47 बॉलों पे 100 मार दे यार 60 मीटर की बाउंड्री। अबे ये 47 साल तक नहीं मार सकता बाबर आजम, अबे आज तक इसने 22 बॉलों पे 50 तो मारे नहीं। ये बाबर आजम को बोल दो ना, पहला 133 पहला 50 33 बॉलों पे, और अगला 50 13 बॉलों पे यार, अगला 50 13 बॉलों पे। But the way they won the match today, that was very important. It was a very comprehensive win. मतलब totally they crushed Zimbabwe today. मतलब अब फिर जब आपका mentor जो है, उन्हें कैसे पूरी पाकिस्तानी मीडिया, पूरी पाकिस्तानी आवाम जो है टीम इंडिया जो कि यंग ब्रिगेड है और अभी IPL से निकल के आए हैं, जिस तरीके से इन्होंने पूरा धुआं ठा दिया और पूरा मार मार के चीखे निकलवा दी भाई जिम्बाब्वे की टीम की, 234 का टारगेट दिया और 100 रन से सेकंड T20 जीत गए हैं। यहाँ पे पूरा पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी के बड़े बड़े प्लेयर और पूरी पाकिस्तानी जो आवाम है, वो जो यंग टीम इंडिया है उसकी भाई तारीफ करके नहीं थक रही। और अभिषेक शर्मा जो कि पहले मैच में 0 पे डक पे आउट हुए थे, सिर्फ 40 गेंदों में भाई उन्होंने 100 कर दिया। तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय थिंक टैंक की, एक तो अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाया वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद, वो सही स्टेप था। तो उनको रेस्ट करवा के एक नया कप्तान अनाउंस किया है, इस सीरीज के खिलाफ नए प्लेयर्स आए, हालांकि बहुत सारे तो IPL में खेलते हैं, एक नया लीडर, नया यंगस्टर्स का एक बैच इंट्रोड्यूस किया गया। और होता क्या है कि जब इस तरह के इसी एज ग्रुप के प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते हैं और ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं, सो एक तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है और दूसरा खौफ आपके जेहन से निकल जाता है। खौफ किस किस्म का, यानी कि मुझे विराट कोहली के साथ कम्पीट नहीं करना, मुझे आप रोहित शर्मा के साथ कम्पीट नहीं करना, या मुझे बुमराह के साथ कम्पीट नहीं करना, क्योंकि आप चैलेंज करते हैं अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप को बेस्ट प्लेयर समझते हैं, बट कहीं ना कहीं खौफ ज्यादा भी होते हैं कि क्या मैं उस लेवल पे पहुंच सकूंगा या नहीं। ऐसे माहौल में इन प्लेयर्स के साथ आप बिल्कुल मुकाबला भी कर सकते हैं। एक तो हार नहीं मानते हैं, बड़ी मुश्किल से मानते हैं कि DNA में ये फिट कर दिया जाता है। जब ये under 19 under 17 एज क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं कि आपकी एक रिच लेगेसी है, हिस्ट्री है, आप दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स हैं, बनेंगे तो आप अपने मुल्क के हीरोज की तरफ देखें, आप राइट लेफ्ट की कंट्रीज को छोड़ दें। सो एक तरह से ये सेल्फ बिलीफ भी आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, और कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन कॉकीनेस भी आती है। सो तारीफ बेतहा करनी पड़ेगी, टॉप ऑर्डर आज बेहतरीन तरह से फंक्शन किया भारत का, सेफ भी है और पावरफुल भी है और हिला देने वाली इनिंग्स खेलने के ये काबिल है और कर रहे हैं ऐसे, और बड़ी देर से इस स्पीड पे इस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं। ये वन ऑफ नहीं है, या ये नहीं है कि चलो एक दिन इनका हो गया, ये मुतवातिर आपको इस तरह से सरप्राइज करते हैं अपनी ग्रेट बैटिंग स्किल्स की वजह से। अभी यंग है और आगे चल के मुझे लगता है कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के पाए के व्हाइट बॉल के क्रिकेटर बनेंगे। इसी तरह से फिर गायकवाड़ बहुत खूबसूरत दिखते हैं, वो बड़ा अच्छा खेले। एक जो चीज नजर आ रही है वो बेखौफी नजर आ रही है इस यंग इंडियन ब्रिगेड में। ये कहीं से 200 की पिच नहीं लग रही थी इनिशियली, मगर 230 कर दिया, और बिश्नोई ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, भारत के लिए लेग स्पिनर है, क्विक थ्रू द एयर है, पेस बॉलिंग भी ठीक ठाक थी। सो ओवरऑल बहुत सारे नंबर मिल रहे हैं भारत को और ये भारतीय यंग ब्रिगेड को, मगर इस वक्त तो इस
भारतीय यंग टीम ने कमाल कर दिया है। खास करके अभिषेक ने जिस तरह से मतलब वहाँ रुक के और जो वक्त आया तो जिस तरह से उसने पेडल दबाया है भाई, वो कमाल था यार। मतलब फ्रॉम दी एट ओवर ऑनवर्ड दे जस्ट टुक अपार्ट दी जिम्बाब्वे अटैक। मतलब एक वो जो क्या था मेयर्स करके डियॉन मेयर्स, उसके तो ओवर में 28 रन कूट दिए उठा के अभिषेक शर्मा ने उसको, मतलब छक्के चौके। बट इट्स वेरी गुड, इट वॉज अ वेरी गुड विन फॉर दिस इंडियन ए टीम, यंग इंडियन टीम आई वुड से। इसलिए क्योंकि कल जिस तरह से हारे थे तो मतलब यू नो इट वाज लाइक टोटली एक जॉल्ट इनको पढ़ा के, यार ये क्या हुआ, मतलब हम जिम्बाब्वे से कैसे हार गए 13 रन से। इट्स अ गुड साइन के इन प्लेयर्स में इतना दम है और इतना इनमें टैलेंट है, इतनी इनके अंदर गेम अवेयरनेस है कि इन्होंने एक ही दिन में इन लेस देन 24 आवर्स में इन्होंने रियलाइज कर दिया कि हमसे गलतियां की हुई थी, एंड दे डिडंट रिपीट दोज मिस्टेक्स टुडे, मोस्ट ऑफ देम डिडंट। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि इंडिया की ये जो यंग प्लेयर्स हैं जिन्होंने बेसिकली जो है इंडिया की T20 टीम का हिस्सा बनना है, तो लाइक दे शो टुडे दैट दे हैव द कैपेसिटी टू एडजस्ट टू इंटरनेशनल क्रिकेट एंड दे कैन कम बैक। बट द वे दे वन द मैच टुडे, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव विन, मतलब टोटली दे क्रश्ड जिम्बाब्वे टुडे। और जो रईस की कसर थी वो जिस तरह सिकंदर अजहर आउट हुआ अवेश की गेंद पे, दैट जस्ट शोड के कितनी डोमिनेंस थी इस इंडियन टीम की। वो मतलब उसको पता ही नहीं चला सिकंदर अजहर को कि वो शॉर्ट पिच थोड़ी सी की अवेश ने, वो मतलब ही वाज टोटली कॉट इन नो मैन लैंड और सीधे उसने पीछे कीपर को कैच दे दिया, उठा के बॉल ऊपर गई तो जुरेल ने कैच ले लिया। तो मतलब बिल्कुल ही जो है ना वो वन साइडेड मैच कर दिया था। वो चीज़ आज अभिषेक ने इंटरनेशनल लेवल पर दिखाई। डोंट फॉरगेट दिस इज ओनली सेकंड इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल, एंड ही आई थिंक ही स्कोर्ड द थर्ड फास्टेस्ट व्हाट यू कॉल इट T20 100 बाय इंडियन। और मजे की बात ये कहते हैं कि मतलब आई डोंट नो क्योंकि ये डाटा बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फर्स्ट प्लेयर इन T20 इंटरनेशनल्स टू गेट टू 100 बाय हिटिंग 3 सक्सेस। 100 रन से मैच हराया है जिम्बाब्वे को। अभिषेक शर्मा ने दूसरे ही इंटरनेशनल T20 में एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया कि भैया अगर मुझे भारत से खेलना है कभी ओरिजिनल टीम में भी जब सारे बड़े होंगे तो मुझे ये सब करना होगा। ये वो खामोश जंग होती है जो क्रिकेटर करता है कि भैया मेरा मौका है, मेरी अपॉर्चुनिटी है। जो कप्तान बना हुआ है, जो इंडिया के लिए 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला हुआ है शुभमन गिल, उसकी विकेट गिर गई, उसके बाद भी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पाकिस्तान कितनी बार हारा जिम्बाब्वे से, कभी पकड़ा पाकिस्तान ने क्या, मतलब मैदान चेंज हो गया था आज हारने का? कभी पाकिस्तान ने ऐसे हारने के बाद उन्हें झगड़ा क्या, अब तुम पे देखो 200 बनाएंगे? अबे 200 तो आपने बना ही नहीं है ना जाने कब से, कि 200 को तो तरस गए आप, पिच आपको जो भी दे दो, वजह बाबर आजम और रिजवान। अब ये बच्चे को क्या मतलब, आईपीएल में मारता है ये, इंटरनेशनल में नहीं मार रहा। अच्छा आप कह रहे होंगे अभी ये तो जिम्बाब्वे, तुम्हें पता है जिम्बाब्वे की इस वक्त की बॉलिंग उस बॉलिंग से बेहतर है? ये बॉलिंग में तंडाई चिटारा वापिस आया हुआ है, टेस्ट का बॉलर असद शफीक को परेशान, पाकिस्तान मिस बॉल अलग विकेट ली भी होता बड़ी बड़ी, दो तो वो वाले वापिस आए पुराने गुजरबानी। इंडिया को हरा दिया किसने? जिम्बाब्वे ने इंडिया को हरा दिया। अच्छा उसको उसका काउंटर क्या होता है? उसका काउंटर तो फिर यही बनता है ना यार, अच्छा तुमने हराया, तुम्हें इतने रन से मारेंगे 200। अबे इस ग्राउंड के स्टैट्स पागल हो गए बनते ही नहीं है। घंटे के फैन कहीं ना कहीं से चक्करों में थे, झटके के मतलब देखा है क्या अभिषेक शर्मा के 8 छक्के देखे हराने में? 100 रन से जब मारते हैं अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़, दोनों के फेलियर थे कल, ऋतु का भी और इसका आज कमाल, ठीक है। रिकवरी कैसी है? गैरत कैसी है? अभी मैं ये इस बात पे अगर मैं बता दूं कि इंडिया की स्ट्रेंथ बनिस्बत जिम्बाब्वे के कम है क्योंकि उनका एक्सपोजर ज्यादा है इंटरनेशनल का। मुजरबानी टंडाई चिटारा वो पता है क्यों? वो खेले में मेरे घंटे के किंग के साथ, वो खेले में मेरे शपेराती के साथ, वो खेले में मेरे क्लास के साथ सिकंदर अजहर, ठीक है, उसका टच आ रहा था सिकंदर अजहर, पाकिस्तानी टच तेरी ऐसी की तेजी, कैसा भगाया उससे बताइए, भगा दी, लिटा दिया, घुसा दिया। जिम्बाब्वे की पिचेस नॉर्मली स्लो है और यहाँ भैया यहाँ 140-150 फाइटिंग स्कोर है, मैंने ऐसी जगह पे साले 14 छक्के मार दिए, 20 चौके मार दिए, ऋतुराज गायकवाड 77 रिंकू सिंह यार, रिंकू सिंह 42 मार गया, 42 5 छक्के मेरे रिंकू ने, रिंकू ने तो अभिषेक से भी तेज बैटिंग की है। अच्छा फिर अभिषेक ने तो बिल्कुल ही पारित कर दिया भाई। दूसरा अगर कोई दूसरा शर्मा मिलेगा तुम्हें तो अभिषेक शर्मा मिलेगा, इसके अलावा कोई ओनली ही ओनली टॉक्स अ सिंगल इंटरनेशनल मैच टू एक्सप्लोड हिमसेल्फ। और बोलो बाबर आजम से तू 47 बॉलों पे 100 मार दे यार 60 मीटर की बाउंड्री। अबे ये 47 साल तक नहीं मार सकता बाबर आजम। अबे आज तक इसने 22 बॉलों पे 50 तो मारे। ये बाबर आजम
पहला 133 पहला 50 33 बॉलों पे और अगला 50 13 बॉलों पे यार, अगला 50 13 बॉलों पे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग यार, किसने पट्टी बढ़ाई है? पांड्या के पीछे वाली टीम तैयार कर रहे हैं जिम्बाब्वे में। इन खेली है और उसके बाद बॉलर ने जो यहाँ पे कयामत ढाई है, 100 रनों से सेकंड T20 जीत के बता दिया है कि भाई वर्ल्ड चैंपियन किसे कहते हैं। पहला मैच, क्योंकि जितने भी ये लड़के थे सब जो है IPL से निकल के आ रहे थे और पहला T20 खेल रहे थे, अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेले थे, बहुत सारे ऐसे यंग थे, तो फाइनली जो है सेकंड T20 को एकदम वर्ल्ड क्लास जीते हैं। जैसे वर्ल्ड T20 जीत के आए हैं उसी टीम की तरह इन्होंने भी अपना सेकंड T20 जीत लिया। तो आपका क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताना, मिलता हूँ आपको एक न्यू